अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आज आपको मेथाडोन के बारे में बताऊंगा। पहले हम इसके प्रिक्वेशन, साइड इफेक्ट, यूजेस और आखिर में हम ओवरडोज के बारे में जानेंगे। प्रिक्वेशन के मतलब होते हैं एहतियाती तदाबीर। मेथाडोन लेने से पहले आप अपने फार्मिस्ट या डॉक्टर को बताएं। अगर आपको इससे एलर्जी है या अगर आपको कोई और एलर्जी है, प्रोडक्ट में गैर फाल अज़ा शामिल हो सकते हैं जो एलर्जिक के रद्दमल या दीगर मसाइल की वजह बन सकते हैं। दीगर मसाइल के लिए अपने फार्मेसिस्ट से रब्ता करें। ये मेथाडोन के बॉक्स की फोर साइडेड तस्वीर है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे। साइड इफेक्ट के मायने होते हैं जमनी असरात, मतली, उल्टी, कब्ज, हल्का सर का दर्द, चक्कर आना, खुशक मुँह, गुनुदगी या पसीना आ सकता है। ऐसे कुछ जमनी असरात इस दवा को थोड़ी देर तक इस्तेमाल करने के बाद कम हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई असर देर तक रहता है या बदतर हो जाता है तो अपने डॉक्टर या फार्मिस्ट को फौरी तौर पर बताएं। चलते हैं यूजेस की तरफ। यूजेस के मतलब होते हैं इस्तेमाल करने का तरीका। ये दवा एक मंजूर शुदा इलाज के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर जैसे हीरोइन की लत के लिए इस्तेमाल होती है। थाडोन दवाइयों के एक तबके से ताल्लुक़ रखती है जिसे ओपेट एनल्जेसिक कहा जाता है। ये दूसरे ओपेटस को रोकने की वजह से खला की अलामत को रोकने में मदद करता है। अब मैं आपको ओवरडोज के बारे में बताऊंगा। ओवरडोज के मायने होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा खुराक। अगर किसी ने ज़रूरत से ज़्यादा खुराक ली है और इसमें संगीन अलामतें हैं जैसे बाहर निकलना या सांस लेने में दुश्वारी अगर दस्तियाब हो तो इसे नलकसून दें। 911 पर कॉल करें। ज़्यादा मकदार की अलामत में शामिल हो सकते हैं सुस्त, उल्टी, सांस लेना, दिल की धड़कन सुस्त, कोमा ऐसी अलामतें शामिल हो सकती हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।